यार काफ़ी बिगनर लोगों को CSS में दिक्कत आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टिकट। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 वेबसाइट की जो आप ऑनलाइन गेम्स के थ्रू CSS को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं और खेलने के साथ साथ काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो हमारी पहली वेबसाइट है css battle.dev। ये वेबसाइट इतनी मज़ेदार है कि अगर आप इस पर ज्वाइन हो जाते हो तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ अपने स्कोर्स को इनक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कोड बना के। ठीक है, यहाँ पे CSS की कोडिंग आपको लाइन बाय लाइन करनी पड़ेगी और काफ़ी कॉन्टेस्ट होते हैं अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो तो। तो ये है हमारी कुछ लिस्ट ऑफ बैटल्स जो अभी पिछले महीने या फिर पहले हो चुकी हैं ये सारी बैटल्स हमारी, और जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है लीडर बोर्ड पर उनका नाम आया है। अभी फ़िलहाल 159 लोग जो हैं वो ऑनलाइन है इस प्लेटफॉर्म पर, तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पर बैटल्स की लिस्ट है पूरी जो कॉन्टेस्ट फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, और अगर तुम एक एक करके जाते हो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट पे तो तुम वहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, ये अभी हमारे लीडर बोर्ड पे 3 नेम्स हैं जो फाइनल कॉन्टेस्ट में जीते थे। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल कोड बनाना होता है ना। तो अगर मैं जैसे इस पे जाता हूँ तो ये हमारा Play97 है। यहाँ पे हमें आपको कमेंट्स दे रखे हैं, इस तरह का स्नोमैन बनाना है। तो आउटपुट आपका स्क्रीन पे आएगा और टारगेट हमारा ये है। तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें और अपना आउटपुट रन टाइम के साथ साथ देखें तो। तो ये एक तरीका हो गया हमारा कोड CSS बैटल में शुरू करने का। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 3 विनर इस बैटल के जिन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट कोड बनाया था, स्मॉलेस्ट लाइन यानी कम से कम लाइनों में इस कोड को बनाया था कि हमारा स्नोमैन जो है परफेक्ट शेप में आ पाया, फिर सबमिट कर देना होगा। तो इस तरह के CSS बैटल में होते हैं कॉन्टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं गेम नंबर 2 की, जो कि है CSS डिनर। यहाँ पे आपको प्लेट्स दिख रही होंगी, असल में इसमें 32 लेवल्स हैं टोटल, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे तो डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होगी और आपकी स्किल्स भी इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारी प्लेट्स हैं, हमें इन प्लेट्स को सेलेक्ट करना है यूजिंग CSS सेलेक्टर्स। और अगर हम हेल्प चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं कि अगर आपको CSS सेलेक्टर के बारे में पढ़ना है तो इस तरह से मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, और ऐसे करके लेवल बाय लेवल चलना, 32 लेवल्स को पिक करके और CSS बना के देखना। तो यही था हमारा CSS डिनर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यार हम गेम नंबर 3 पे, जो कि है हमारा ग्रिड गार्डन। तो ग्रिड गार्डन आपको काफ़ी कुछ गार्डन में सिखाने की बात करेगा और काफ़ी अच्छा है। अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो तुम्हें बहुत ही आसान से लेवल्स मिलेंगे, 28 स्टेप्स हैं, 28 लेवल हैं, और आप यहाँ पे इतना इजी है करना स्टार्टिंग के लेवल्स को और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, कुछ फर्स्ट 2 लेवल तो मैं ही तुम्हें करके दिखा दूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, बस ग्रिड कॉलम स्टार्ट को बोल रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें फ्लावर्स को वाटर दिलाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिख देता हूँ। हमारा ये ID वाटर जो है, अभी हमें HTML से मतलब नहीं है। ठीक है, हम मान के चलते हैं बैकग्राउंड कोड HTML का है। तो जैसे ही मैंने 3 लिखा, देखो वाटर मिल गया हमारे प्लांट्स को, तो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसी अनदर प्रॉब्लम आ गई, तो ये हमारे लेवल 2 है। अब लेवल 2 में इस पॉइजन ID को हमें वहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब आप देख सकते हो कि 5 कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिखेंगे और इसको हम 5 कर देंगे। ठीक है, लिखा भी हुआ है, तो जैसे ही 5 लिखा पहुंच गए पॉइजन्स वहाँ तक। बस ऐसे करके आप नेक्स्ट लेवल करना और सारे के सारे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो डिफ़िकल्टीज बढ़ती जा रही हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेंगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और हिंट वगैरह यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं यार हमारा 4th, दैट इज़ फ्लैक्स बॉक्स डिफेंस। टोटल 12 लेवल्स हैं इसके अंदर, 12 वेव हैं 1 से लेकर, और लेवल वाइज हार्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल प्रॉपर्टीज़ को मूव करना है टुवर्ड्स टावर इनटू पोजीशन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वो सारे स्टेप्स करने हैं। ठीक है, स्टार्ट वेव कर देंगे, देन तो जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। देन ये आ जाते हैं कुछ बटन्स हैं। ठीक है, मुझे भी इतना नहीं नॉलेज इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी नहीं करा अभी तक। ठीक है, और स्टार्ट वेव पे क्लिक करके देखें तो फिर क्या होता है, ये देखो ये बॉल्स आ रही हैं जो कि नीचे जाएंगी,
तो हमें इसको कुछ रोकना वगैरह पड़ेगा। एनीवेज नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा फिफ्थ गेम है फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी। ये काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा है जब भी मैं पूछता हूँ किसी से कि फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी का काफ़ी नाम आता है। ठीक है, 24 लेवल्स हैं इसमें और स्टेप बाय स्टेप चलना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेक्स इन्वेडर्स। ठीक है, तुम्हें पता है हेक्स कोड होता है, CSS में यूज़ करा जाता है, तो इसको फ्री प्ले पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा कि हेक्स कोड क्या होता है हमारा ब्लू ग्रीन रेड के लिए, और प्ले नाउ कर देंगे या फिर पढ़ना है तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर तुमने इसके बारे में पता है पहले से कि हेक्स कोड कैसे यूज़ होता है या फिर कलर कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं तो प्ले नाउ कर दो। तो अब यहाँ पे हमें गोली मारनी है। ठीक है, ये तोप जो है किसी पे भी क्लिक करेंगे उस पे जाएगी। ठीक है, तो इस ये किसका हेक्स कोड होगा। ठीक है, जैसे हैश 008000 है ना, तो ये जिसका भी हेक्स कोड है हमें उसको उसी को मारना है। ठीक है, और हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाती है अगर हमें hexinvader.com पे जाएंगे तो, है ना। तो ये बेसिकली हेक्स कोड के लिए है। तो ये थी हमारी आखिरी वेबसाइट, ठीक है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में सीखे। और ये टोटल 6 वेबसाइट है। ठीक है, तो हमने एक एक करके सबके बारे में जाना और हर एक की अपनी खासियत है, हर एक का अपना तरीका है हमें समझाने का। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें कौन सी बेटर लगती है, तो तुम हर एक को टाइम दो। स्टार्टिंग वाली बैटल वाइज थी, ठीक है, ये फ्रॉगी वाली हो गई, देन नेक्स्ट ये है फ्लैक्स बॉक्स डिफेंस। ठीक है, तो फिर आ गया हमारा ग्रिड गार्डन, देन आ गया हमारा CSS डिनर, देन CSS बैटल। तो ये सारी आज हमने देखी, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, होप तुम्हें पसंद आया होगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में सिखाई चीज़ों को कितना इंप्लीमेंट करोगे ये तो मेरे को पता नहीं, बट एक चीज बहुत अच्छे से पता है, वो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को तेज से दबाओ तो ग्रे हो जाता है।